नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और एज अ साइकेट्रिस्ट केलकर तो एंड कर साइकेट्री नर्सिंग होम घोड़बंदर ठाणे में कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बड़ा ही कॉमन लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए सब रोज झगड़ते हैं, जिसको सबको उसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, वो है टाइम यानी वक्त। हम आज टाइम मैनेजमेंट पर बात करेंगे। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में ही हमें हमारा पूरा काम निपटाना होता है, लेकिन हमें वो भी कम पड़ते हैं और हमें ऐसा लगता है काश मुझे और एक दो घंटे मिल गए तो। ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हम हमारा टाइम मैनेज नहीं कर पाते, नहीं करते। तो इसलिए आज हम ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे कि जिससे हमारा टाइम मैनेज हो और हमें उससे तकलीफ भी ना हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें टाइम मैनेज ही क्यों करना है। अगर हम टाइम मैनेज करेंगे तो हमारा काम जल्दी होगा, हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, हमारी आउटपुट, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और एट द एंड ऑफ द डे हम समाधान और सेटिस्फैक्शन से जिएंगे। हमें खुशी मिलेगी कि हमने आज ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, कम समय में किया। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैं आपको सिर्फ दो बातें बताऊंगी जिससे आप दिन भर का आपका वक्त मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आज का काम आज करो, डोंट प्रोकास्टिनेट, यानी आज की चीज़ कल पे मत डालो, कल पे मत ढकेलो। हम काफ़ी बार ये करते हैं कि आज हमको एखादी चीज करनी है, हम जानते हैं कि आज और कल दो ही दिन का उसके लिए वक्त है, लेकिन फिर भी हम आलस करते हैं और आज का कल काम सोचते हैं कि कल करेंगे, कल भी तो टाइम है। लेकिन कल ऐसी कुछ चीज निकल आती है कि हम वो काम नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमें कोई फॉर्म भरना है या किसी चीज का बिल भरना है जो हम जानते हैं कि आज और कल दो ही दिन उसके लिए है, लेकिन हम आज जाने के बजाय सोचते हैं कि ठीक है ना, कल भी तो टाइम है, कल भी मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, और आज हम टाइम पास करते हैं, आलस में हम दिन निकाल देते हैं और कल ऐसी कुछ इमरजेंसी आ जाती है कि ये चीज़ हमको सेकेंड हैंड पे रख के पहले वो इमरजेंसी हैंडल करनी पड़ती है और फिर ये इमरजेंसी में ही दिन निकल जाता है और हमें बाद में इतना फ्रस्ट्रेशन आता है कि वो मैं काम नहीं कर पाया, और फिर खुद पे ही गुस्सा आता है, सिचुएशन पे गुस्सा आता है और फिर टाइम पे गुस्सा आता है और उसकी वजह से हमको हमारा स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो इसलिए हमारे काफ़ी सदियों से ये बोला जाता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन हम इसका पूरा उल्टा करते हैं कि आज का काम कल करते हैं। लेकिन ये ना करते हुए हमें आज का काम आज ही करना ज़रूरी है। ये थी एक बात। दूसरी, टाइम टेबल बनाओ। हमको दिन में जो काम करने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है और हम दौड़ लगाते हैं कि और काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ इमरजेंसी काम को होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट काम होते हैं लेकिन इमरजेंसी नहीं होते, अर्जेंट नहीं होते, और कुछ काम करने होते हैं जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हम पूरा जंबल कर देते हैं और जो काम अर्जेंट है वो पीछे चले जाते हैं, जो ज़रूरी नहीं थे, थोड़े दिनों बाद भी कर सकते थे, वो पहले कर लेते हैं और इसमें पूरी खिचड़ी पक जाती है। तो इसलिए अगर हम टाइम टेबल बनाएं, हमारे पूरे दिन का टाइम टेबल, मैं तो कहूँगी कि 7 दिन का टाइम टेबल आपने बनाना चाहिए। समझो आज संडे है तो संडे टू संडे अगर आप टाइम टेबल बनाओ कि ये 7 दिनों में मुझे क्या क्या बनाना करना है, जैसे एक लिस्ट बनाओ कि ये 7 दिनों में मुझे पूरी चीज़ें करनी है, और वो लिस्ट को अगर आप 3 भागों में डिवाइड करो कि अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, दूसरा अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा कि करना है, ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है। अब अर्जेंट क्या क्या है कि जैसे हमको कोई बिल भरना है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, किसी का सिग्नेचर लेना है या फिर कोई फॉर्म भरना है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट अर्जेंट है, उसका टाइम लिमिट है, समझो ये 2-4 दिन में ही करना है तो ये बहुत अर्जेंट है क्योंकि उसका टाइम लिमिट है, तो ये पहले लिस्ट में आनी चाहिए।
उसके बाद फिर अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, यानी किसी को हमको हॉस्पिटल में मिलने जाना है, कुछ फॉर्म भरना है लेकिन उसका एक डेढ़ महीने का समय है, हम 7-8 दिन में भी वो काम कर सकते हैं, तो इसलिए वो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, तो ये सेकेंड इसमें आना चाहिए। और जैसे हमारे फ्रेंड्स को मिलना है या फिर कोई ऐसा काम करना है जो बहुत ज़रूरी नहीं है, करा तो करा, नहीं तो करा तो भी चलता है, तो ऐसे टू डू लिस्ट में आएगा। तो ऐसे अगर हम तीन भागों में हमारा काम बांटे तो हमें बहुत आसानी होगी हमारा काम करने के लिए। इसके साथ साथ हमें रोज़ एक बफर टाइम रखना चाहिए, क्योंकि हम हमारा भी जो दिन का काम है, जैसे हमारा जॉब है या फिर बच्चों के रिलेटेड काम है, ये तो हमको करना ही होता है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे बाकी की चीज़ें वो भी हमको मैनेज करनी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी में हमको कुछ ऐसा हमारे टाइम टेबल के व्यतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो हमको करना पड़ता है, इसलिए हमको बफर टाइम रखना ज़रूरी है। जैसे कि एक घंटे का रोज़ का एक टाइम हमको रखता है कि आगे पीछे अगर हमारा टाइम टेबल हो गया तो हम वो टाइम में एडजस्ट कर सकें। तो ऐसे मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई, एक है कि आज का काम आज करिए और दूसरा यानी हमारा टाइम टेबल बनाइए। देखिए अगर आपने ये सिर्फ दो चीज़ें ठीक से की तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और टाइम अगर अच्छे से मैनेज हो गया तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। और एक रीज़न है स्ट्रेस बढ़ने का, वो है टाइम का मैनेज ना होना, इससे भी स्ट्रेस बढ़ने के चांस होते हैं, तो इसलिए आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा एंड आपकी लाइफ काफ़ी हैप्पी होगी क्योंकि आप मैक्सिमम काम कर सकते हो। इसलिए ये था टाइम मैनेजमेंट पे कुछ थोड़ा सा आपको रिलेटेड जानकारी, और अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे केकर तुअनकर साइकेट्री नर्सिंग होम के फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9503309619। मानसिक आरोग्य सबके लिए ये वीडियोस के द्वारा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मानसिक बीमारियाँ और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनके बारे में जानकारी पहुँचाना चाहती हूँ, और सही जानकारी पहुँचे ये मेरा उद्देश्य है, ताकि वो सही तरीके से ट्रीटमेंट करें, जिनको भी सहायता की ज़रूरत है वो हमें अप्रोच करें या सहायता ले। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वहाँ एक बेल का बटन है उससे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाने की मदद कीजिए। धन्यवाद।